कभी ऐसा हुआ कि ऐसे कोई आपको, अगेन इट्स बाथरूम ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपको बड़ी तेज ऐसे वॉशरूम यूज करना है और आपने दरवाजा खोला और अंदर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है? ये मेरे साथ हुआ है. एयरपोर्ट पे ना वो लेडीज वाले में घुस गया था. जल्दी जल्दी में और क्या, जैसे कि मर जाने अकेला हूं मैं. अरे अच्छा, आपने तो उसको भी बोल दिया होगा बोल के, ओए नाक पते फटे चाक करे गिल्ली. अच्छा कभी कभी नाड़ा फंस जाए ना कभी बात, और ऊपर से बड़ा तेज बाथरूम आया हो, फिर आदमी 30 सेकंड से भी कम टाइम में जितना करता करता है, जब पूरा फंस जाती ना गांड, फिर वो उस पे जोर नहीं लगाता, फिर वो यहां से पकड़ता है. ओ, ओ, ये क्या हो रहा है? अभी मैं क्या बताऊं? मैं करता हूं संजय लीला भंसाली साहब की पीरियड फिल्मों में 5,500 चीजें पहननी होती हैं. कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, पीरियड ड्रामा. यहाँ लगा हुआ, यहाँ 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 यहाँ, कॉस्ट्यूम ड्रामा 3 घंटे होते हैं रेडी होने को. अब शूट के बीच में आपको जाके जोर शोर की आई, आपको जल्दी जाना है, जल्दी वापस आना है. अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ निकालू, क्या निकालू? मैंने तो एक बार ऐसे बाद में हमारा कॉस्ट्यूम डिजाइनर मुझे ऐसे देख रहा है. आप क्या करता, बाजीराव फंसा हुआ था. अच्छा सॉरी, आप बोलो. इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे. 500 कोड़े लगाए जाएं बेटा. कपूर शर्मा, यहाँ पर मैं एक शेर अर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए दरख्वास्त करना चाहूंगी आपसे, आप मेरा बहुमूल्य समय नष्ट ना करें प्लीज. ओके, लेट मी कंटिन्यू. ओके. इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे, इश्क करना खता है. क्यों सजा दे रहे? मैं सजा देता हूँ ना तुम्हें. रुको जरा, 5 मिनट रुको, बता. देखिए आपसे मैं 2 उबले अंडे ना लूं, मैं आपसे सजा क्यों लूं? क्यों लूं आपसे सजा? रुक जाइए ना जरा. इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे. अभी अभी ये बोल रही है, अभी बोलेगी सजा दो, फिर बोलेगी फजा, लास्ट में पराठे पे आएगी देखना. पराठे दे दो, भूख लगी है. भूखी है ऐसे आती है. एक्सक्यूज मी, मैं अपना जरा शेयर कंप्लीट कर लेती हूँ प्लीज. प्लीज, प्लीज, प्लीज मुझे मौका दिया जाए, मौका प्लीज, दिया जाए. इश्क अगर खता है तो सजा दो मुझे. आगे बढ़. इतनी देर से यहाँ वहां भटक रही हूँ, मेरे सही घर का कोई पता दो मुझे. मैं एक्चुअली लॉस्ट हो गई हूँ, खो गई हूँ थोड़ी, रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे घर का. देखो मेरी बात सुनो, तुम ये मस्तानी तुम्हें कहाँ से लगती हो? तुम जाके किसी होटल में दरबानी लगो. तुम मस्तानी लग रही हो, तुम वेल मछली की जेठानी लग रही हो, तुम मस्तानी कहाँ से लग रही हो? तुम कुछ भी पहन के आ जाती है. आपको शायद पता नहीं है, इश्क मुश्क और अभी छिपाए नहीं छिपते, इसलिए मैं अपने इश्क का आज इजहार करने आई. और तू इश्क ना कर, तू जाके कहीं कुश्ती कर. बारिश में इतनी ताकत है ना ये. एक दिन मुर्गियां रखी हुई है इसने, हाँ. उसको कहती मैंने अंडा खाना, अंडा खाना. मुर्गी भागी की तो उधर निकल गई, उसको नहीं देना था अंडा उस दिन. इसने उसको पकड़ा, पुच करके अंडा निकाल दिया उसका. एक बार मुर्गी अंडा नहीं दे रही थी, इसने पता क्या किया? फोटो से नहीं नहीं, उसको बटर दिखा रही है, कहती 2 अंडे दे दे, मैं 2 अंडे मान रही, नहीं तो बटर देख रही है, आगे सोच ले तेरा क्या बनाऊंगी मैं. उसने पाजी उसकी संडे वाले दिन भी 2 अंडे दिए. ये वाली जो मुर्गी का जिक्र किया ना आपने, ये सेम मुर्गी, इस मुर्गी ने एक्चुअली ना आपके लिए एक मैसेज भेजा है, मैं लेकर आई हूँ. क्या क्या? ये मुर्गी ने आपके लिए मैसेज भेजा है. क्या? मुर्गी कहती है पक 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 पक. ये मुर्गी ने मैसेज नहीं भेजा, ये वही मुर्गी खा के आई, अंदर से दे रही है. चल झूठी कहेगी. बड़ी यही मस्तानी. कोलंबो जा, तेरे जैसे झींगे मिलते हैं उधर. मस्तानी ने बाजीराव से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं. मेरे दिल को
अच्छा कटोरे पे कपड़ा चढ़ा के टोपी बनाई उसकी विद्यावती ये टीचर है हमारे मोहल्ले में ये क्या बच्चों की फैंसी ड्रेस में जा रही होगी क्या पहन के घूम रही हैं आप सब मैं क्यों जाऊंगी मैं क्यों भाग लेने की फैंसी ड्रेस में भागेंगे तो वो जिन्हें भागने वाले काम किए हैं क्यों रणवीर क्या क्या याद नहीं कुछ साल पहले एक रेस्टोरेंट में मुझे विद पैंट मिले थे जैसे कि आपको सबको पता है कि रणवीर इज अ पार्टी एनिमल तो एक रेस्टोरेंट में ये ड्रिंक के लिए तड़प रहे थे मारूंगी अगर अपने आप को मस्तानी कहा तो मस्तानी मैं हूँ अच्छा तू मस्तानी है सीरियसली या 2 किलो मक्खन खा के ऐसे पंच मारूंगी कि मेरे हाथ उठेगा तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोटी तो मैं भी बर्फ का गोला खा के तेरे ऊपर ऐसे छींकूंगी जुकाम की मौत मरेगी तू अच्छा अपने गाने का अंता निकाल के तेरे मुखड़े पर ऐसे मारूंगी तेरी स्थाई टूट जाएगी तो मैं ऐसे करके तुझे ऐसे सक कर लूंगी ना मेरे नाक के अंदर घुस के सक पकाती रहना बाद में तो मुझे धमकी दे रही है हाँ? टीचर को हाँ? देखना मदर्स डे वाले दिन तेरे फादर तेरे ब्रदर की मदद से चना कर देना तो मेरा भी नाम विद्यावती नहीं मस्तानी मैं हूँ मस्तानी मैं हूँ शीला की जवानी अक्षय कुमार के एपिसोड में बजाना रणवीर आया है बाजीराव बजाओ गिराक देख के पूरी बांधती हूँ मैं दोनों है डूबती नाव मैं हूं मस्तानी नानी क्या क्या बोल रही मस्तानी हो गई तू क्या मैं पुरानी हो गई तू क्या फालतू की बातें क्यों कर रही है देख मैं हमेशा मस्त रहती हूँ लोग मुझे नानी नानी बोलते हैं हाँ तो मस्त नानी मेरे बाजीराव वानी का तो सोच लिया नानी का कब सोचेगा हाँ अरे बुजुर्गों के लिए भी बैंक में अलग सी लाइन लग जाती है आजकल तो वैसे तेरे को एक्सचेंज कराना होगा तो मुझे बोलना 100 पे 5 लेती हूँ इश्क अपनी जगह धंधा अपनी जगह नानी उनकी फिल्म मारी बेफिक्र ट्रेलर देखा तूने फालतू की बातें कर रही है देखी हूँ मैंने वैसे तेरे लिए मैं कुछ लाई हूँ गिरेगा पकड़ ले इन लोगों ने 2 जोड़ी तरबूज लिए काट काट के ना टोपियां बनाई मस्तानी ये क्या है माफ करना बाजीराव पहले छोटी थी एक बार मैंने ट्राई की तो थोड़ा फैल गया पर तू पहले ना एडजस्ट हो जाएगा तेरे ही साइज का है अब देख मेरी तरफ गौर से देख बता बाजीराव आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है बोल ध्यान से ये पागल हो गई अभी काटेगी ये सवाल मैं पूछती तो समझ में भी आता अपनी हालत देख
तारीफ हो, तुझसे मोटा भी हो जाएगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। मेरे मुंह मत लगना वरना कार्बन डाइऑक्साइड दे दूंगी मैं। देखो मस्तानी अभी पुरानी हो गई है, नो मस्तानी ओनली वानी। बात तो सही है, मस्तानी की बात पुरानी हो गई और आपको मस्तानी इस पुरानी बनना होगा, आपको वानी। हाँ तो हाँ, हम बनने के लिए तैयार हैं। Yes, वानी we are ready. हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि किसके करने पप्पी मिली? 23 पप्पियाँ। हम हाँ। मैं दिलाऊंगा आपको। आओ आओ यार सामने आओ आओ आओ। रेडी रेडी रेडी। ऐसे थोड़ी ना यार, थोड़ा रोमांटिक किस है ना, आंख बंद करनी होती है, है ना? आप भी चारों चारों आंख बंद रखना, मैं आपको दिलाऊंगा पप्पी नहीं पप्पा, जिसको भी मिलेगा आओ पप्पा। Are you ready? Always ready. Are you ready? अब आ भी जा। अरे, ए क्या कर रहे हो? हे भगवान, मैं अपना मुंह काला नहीं करवाना चाहती बक। अरे रणवीर सिंह यहाँ ब्लैक कॉफी पी ली उन्होंने थोड़ी सी। नहीं चाहिए इसे, पप्पी नहीं चाहिए। इसे पप्पी नहीं चाहिए। Thank you. उसने तो बोल दिया तेरे को शर्म नहीं आया मोए? गिरे पड़े तुझे। आने की कोशिश मत करना स्टेज पे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खाले काले वाले टकले। बाल।